समस्या हो जाती है आपको? बच्चे होते हैं, जीते नहीं हैं। अच्छा, बच्चे जन्म तो लेते हैं लेकिन वो ज्यादा दिन तक जी नहीं पाते, कितने दिन तक जीते हैं? 4 साल 9 साल 5 साल 6 महीने को मर जाते हैं। 4 महीने 6 साल 15 दिन तक बच्चे जीते हैं और उसके बाद वो चले जाते हैं, तो ये सबसे बड़ी समस्या है यहाँ पर। कैसे आप अपने कलेजे के टुकड़े को आपके चले जाते हैं, क्या परेशानी है? अब मैं नहीं बता पाऊंगी। तो अभी यहाँ पंडोकर धाम में किसने बताया था आपको आने के लिए? यूट्यूब पे देखा। यूट्यूब पे देखा है आपको? आपने कभी किसी देवता को चक्कर दिखवाया या कोई परेशानी? नहीं दिखाया, मैं सीधे पंडोकर सरकार आई। अच्छा, कोई बीमारी हो जाती है क्या? एक बीमार अस्पताल लेते जाते जाते खत्म हो जाते हैं। अच्छा अच्छा, तो पंडोकर महाराज से मुलाकात हुई अभी आपकी? नहीं हुई, 5 सितंबर की होगी। कितने दिन हो गए आपको यहाँ पर? 15 दिन। 15 दिन हो गए। कितने की रसीद कटवाई थी? 2100 के। 21,000 की? 2100 रुपए की रसीद कटवाई, नंबर अभी तक नहीं आ पाया है। तो आपको उम्मीद है कि आप समस्या के लिए आयु ठीक हो जाएंगे? जी। क्या नाम है आपका? अमिता दुबे। कहाँ से आई? अयोध्या से। ये अयोध्या धाम से पधारी हैं पंडोकर धाम में, बड़ी समस्या लेकर के आई हैं। मुझे उम्मीद है कि पंडोकर धाम में इनकी जो समस्या है, इस समस्या से इनको निराकरण मिल जाएगा। 2100 रुपए की रसीद कटवाई है, 15 दिन बीत चुके हैं, नंबर अभी तक नहीं आया है। ऐसे मुझे अयोध्या में 2-4 आदमी मिले थे, बताए कि वहाँ पर जाओगी पंडोकर सरकार तो आपका निदान हो जाएगा, और कभी कहीं से नहीं तुम्हारा उम्मीद है। हमारा हो गया 15-16 साल। 15-16 साल शादी को हो गया। जब पहले बच्चा, जब कैसे खत्म हुआ था आपका? पहले बच्चा 2-3 दिन जिया, वो बच्चा खत्म हो गया। इस बार दूसरा साल भर के हो के ऐसे ऐसे हो के चले जाते हैं। डॉक्टरों को दिखाया आपने? जी, डॉक्टर ने दवा दी। अब कोई कहा फेफड़ा में कमी है, कोई कहा गुर्दे में कमी है, ऐसे ऐसे कह देते हैं। आपको क्या लग रहा है, क्या समस्या हुई आपके साथ? कौन परेशान करता है, कोई देवी देवता है? हमको कुछ नहीं पता चलता है। लोग कहते हैं कि ऊपरी माया है, पंडित पंडित लोग को दिखाते हैं तो ये कहते हैं। उनसे कहेंगे कि महाराज जी ऐसा क्यों होता है, हमारे बच्चे ऐसे हो करके खेलते खाते क्यों निपट जाते हैं, अस्पताल पहुँचते पहुँचते एक्सपायर हो जाते हैं, यही समस्या है। नंबर का इंतजार करो, समय का इंतजार करो, समय से पहले वक्त से ज्यादा कभी किसी को नहीं मिलता। नंबर उसी का आएगा जिसका समय आ गया, सफलता उसी को मिलती जिसका समय आ गया। जिसका समय नहीं आया तो मुलाकात नहीं हो सकती, यदि समय से पहले मुलाकात हो भी जाएगी तो काम नहीं हो सकता, देख के चले जाओगे। इसलिए शुभ समय का इंतजार कीजिए। हमारे ऋषि महर्षियों ने, देवताओं ने भी इंतजार किया है। शुभ समय के लिए इंतजार सब लोग करते हैं, करते रहना चाहिए, तभी जीवन में सफलता मिलती है। हाँ भैया, कहाँ से आए हो? भिंड से आया हूँ। पास में आइए, क्या समस्या लेके आए? सर गुरुजी, मेरे छोटे पुत्र का 2015 में संदिग्ध परिस्थितियों में उसको मार दिया गया था, उसके मुंह बांधा हुआ था, कपड़ा मुंह में था। अब हमने लिखा, सुनिए जी। अन्नु मरा, खूंटी से मरा, बंधन करके मरा, 18 नवंबर 2015 में मरा। कब मरा? 18 नवंबर 2015 में। रहस्य खुलेगा, सुतः ही खुलेगा, जब बच्चा घर में जन्म लेगा। शुभम की जब शादी होगी, उसकी पत्नी आरती आएगी, उसका उपनाम नेहा होगा, तब 3 वर्ष का होगा, पोल खुल जाएगी, आशीर्वाद है जी। गुरु जी, मेरे पुत्र की नौकरी शिवम, जितना लिखा उतना लिखा, डाटा समाप्त जी। बोलिए पंडोकर सरकार की। भागो गणपत लाल जी, डोंगर राम जी, जिनकी मां का नाम जानकी है, यदि कोई है तो आ जाए। बोलिए पंडोकर सरकार की। जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। बोलिए पंडोकर सरकार की। बोलो श्री आतिवान जी महाराज की, श्री हिंगोटा वाले महाराज की। पास में आइए, बोलो क्या पूछना चाहते हैं? घर में सुख है? कार्ड है क्या? घर में सुख शांति कौन सा? घर में कलेश रहता है, कलेश सुख शांति नहीं है। हाँ। हमने लिखा, हिंदी आती है? हाँ, आप धीरे से बोला, ऐसा लग रहा कि कम पढ़े लिखे हो। घर में सुख शांति
होगी। जादू टोना है राम प्रकाश पितर, जीजा नाम रामचंद्र, कोरोना जीजा जी के ऊपर, रामचंद्र के ऊपर, कोरोना में मरा भाई भूत रूप में खेल रहा है, सवारी के रूप में आ रहा है आपके बहनोई पे। बोलो हाँ है ना, बिल्कुल। क्या नाम है जीजा का आपके? रामचंद्र। गलत तो नहीं कह रहा हूं? बिल्कुल। हनुमान जी कृपा से तुम्हारा भाई को चौकी दे दीजिए, स्थान दे दीजिए, वो एक अच्छा प्रेत बनेगा आने वाले भविष्य में और घर की रक्षा करेगा और जीवन में घर उससे खुशहाल रहेगा, हमारा आशीर्वाद है। उसको मुक्ति कराइए, या तो गया जाइए, प्रयागराज जाइए, तीर्थों में भ्रमण करिए, श्रीमद् भागवत कथा महापुराण का पाठ कराइए, ब्राह्मणों का भोज कराइए, साधु संतों को चरण धो लाइए और तीर्थ में उसको स्नान कराइए। यदि आप गया जाते हैं, गया में स्नान कराते हैं, अपने प्रेतों पितरों को इत्यादियों को जल अर्पण करते हैं, भगवान विष्णु के चरण छूते हैं, तो 9 करोड़ तीर्थ आपके ऊपर कृपा करते हैं। हजारों हजारों तीर्थों में भ्रमण करने का फल गया में विष्णु चरण चिन्ह से प्राप्त होता है, फल्गु नदी से प्राप्त होता है और आपको भगवान का स्वर्ग, भगवान का लोक, विष्णु लोक प्राप्त होता है और आपका घर का भाई प्रेत योनि से मुक्त हो जाएगा। यदि आप चाहते हैं कि मेरा भाई प्रेत बना रहे, भूत बना रहे, तो आपकी जैसी इच्छा बैठा लेना, आशीर्वाद है। बोले परम पूज्यपाद सतगुरुदेव भगवान श्री हाथीबान जी महाराज की, सतगुरुदेव भगवान की, श्री परम पूज्यपाद सतगुरुदेव भगवान श्री हाथीबान जी महाराज की, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम, बोले पंडोखर सरकार की। इसके बाद सुरेश कुमार सोनी, पिता का नाम जीवाराज जी पारणो या चारणो, सुरेश कुमार सोनी पिता जीवाजी चारणो, यदि कोई है तो खड़ा हो जाए, जल्दी आइए और पास में आइए। कहां से अभी हम? बाड़मेर गडरा रोड से, बाड़मेर गडरा रोड। जो कौन सी भाषा है ये? हमारे वहाँ की हिंदी नहीं आती। हिंदी आती है तो हिंदी बोलो। बाड़मेर से। बाड़मेर से क्या क्या समस्या लेके आयो? लड़के के बारे में पूछने आया हूँ, खुद के बारे में न सोच। लड़के के बारे में? क्या लड़के के बारे में? अच्छा, लिख के ले आयो? हाँ। अरे भैया, लिखा तो आपने हिंदी में ही है, 2 पेज भरे हैं भैया, तो हम जा पहले स्क्रीन पर दिखा दें। इतना तो हमने नहीं लिखा होगा, हमने जितना लिखा होगा इसी में से कोई सारांश में एक आध प्रश्न लिखा होगा, क्योंकि मैं इतना नहीं लिखता हूं जितना आप देख रहे हो, क्योंकि आप मस्ती से 2 पेज भर के लाए हो, लेकिन तब भी हमने लिखा है इतना कि लाजवाब हो जाओगे और आपके दिमाग में और दिल में लग जाएगा कि कुछ मिला। सुनिए, भवन नंबर 3445 और 01 अस्थाई, इस प्रकार ये नंबर है मकान का। तंत्र क्रिया वर्तमान में आपके घर में है, वह मदरा शराब पीते, घर में मदरा छूटेगी, स्त्री का चेहरे में बिगाड़ हो रहा है, चेहरा परिवर्तित हो रहा है, पत्नी का चेहरा ठीक होगा और आपके बच्चे गोपाल की जॉब लगेगी, आशीर्वाद है। क्या नाम है बच्चे का? गोपाल। पत्नी को क्या हो गया? चेहरा बोलो, चेहरा खराब हो गया है। चलो हनुमान जी कृपा करेंगे, आशीर्वाद जाओ, लाभ हो जाएगा। हनुमान जी वास्ता रखो, परम पूज्यपाद सतगुरु भगवान आप पर कृपा करेंगे। बोले श्री हनुमान जी पंडोखर सरकार की। आने वाले समय में चोरी धन मर्डर, हमें लगता है कि इस प्रकार के विवाद की स्थितियां बनेंगी तो कोई भी पछड़ा में नहीं पड़ता है। आने वाले समय में भविष्य में गुरुदेव का जो हम लोगों ने मांगा था कि गुरुजी अड़ी पड़ी पड़ जाए तो क्या होगा, तो गुरुजी ने कहा था कि शासन प्रशासन के लोग पूछेंगे तो आप बताने में समर्थ रहोगे, अन्य सामान्य कोई व्यक्ति पूछने में आएगा तो आप नहीं बता पाओगे। आज वो बात साकार हुई और समाज समय पर जब जब कोई प्रशासन का व्यक्ति आया तब तब पंडोकर सरकार के दरबार का डंका बजा। हमारे भांडर में एक बच्चा चला गया था, आज से 4-5 साल पुरानी बात घटना है, एक बर्मा जी का, और पुलिस ने नाकाबंदी कर दी, नहीं मिला,
तो पुलिस ने बता दिया गोपनीय के पंडोकर सरकार बगल में है, दुनिया में क्यों जाते हो, उनसे एक बार पूछ लो, उनको त्रिकालदर्शी कहा गया है। तब वो परिवार फैमिली भांडर से आई और यहां का पुलिस गवाह है, पेपर गवाह है उस दौरान के जमाने के, आज से 4-5 साल पुरानी बात है। तो जब यहां आए तो पूछा गया, तो यहां से दरबार से संदेश हुआ कि बेटा आपके मकान से 500 मीटर दूरी पर एक कुआ दिख रहा है और आपके मकान के जस्ट टांगे ही है, थोड़ा उसको झांक के देख लो, उसमें आपका बच्चा जीवित में खड़ा है और जल्दी जाओ, उसमें सर्प आदि भी है। और जब वहां से गाड़ियां छूटी मोटरसाइकिल पंडोकर धाम से, जब देखा गया पुलिस पहुंची तो उस कुआ में बच्चा खड़ा, पैर फूल गए, गल गए, क्योंकि 1.5 दिन से खड़ा था उसमें पानी में, उसमें नांग घूम रहे थे, सर्प थे, कचड़ा था, गंदा था। तब प्रशासन ने कहा कि पंडोकर धाम में कुछ तो है। मेरा कहने का मतलब है, समय समय पर इसलिए बताया जाता है, ये भांडर पंडोकर से 15 किलोमीटर दूरी पर है। ये घटना आप सर्च करिएगा गूगल सर्च यूट्यूब पर कि भांडर में एक बच्चा प्राप्त हुआ था कुआ में, तो उसमें आएगा पंडोकर सरकार के द्वारा दी गई रास्ता। सागर में मध्य प्रदेश में एक बच्चा को गाड़ के मार स्कूल में गाड़ दिया था, तो आज से लगभग 15 साल पहले हमने 17 साल पहले बताया कि जाओ पद्मानकर नगर कॉलोनी खंडन नामा स्कूल में आपका बच्चा फलाने फलाने स्कूल में टैटू के लालच में मार दिया गया है, गाड़ दिया गया है, यदि जल्दी उखाड़ लो तो जीवित निकल आएगा, टाइम पे इलाज हो जाएगा तो जिंदा हो जाएगा, अन्यथा बच्चा तो परमात्मा के हाथ में है, बच्चे का हरा पीला पड़ गया है और जमीन में गड़ा है। तत्काल सागर के पुलिस के लोगों ने चक्राघाट तीनवत्ती इत्यादि लोग सब जो एक हो गए, और जब वहां पर अक्षय कुमार नाम का जैन लड़का था, मुकेश गुप्ता जी इसके साक्षी हैं और सागर के लोग साक्षी हैं, वहां के रजनीश विश्वकर्मा जी साक्षी हैं, अजय बिश्नोई जी इत्यादि वहां पर जितने भी वहां हुआ करते थे, चिंटू और नितिन इत्यादि वहां पर, बिश्नोई परिवार, समैया परिवार तत्काल रोमांचित हो गए और पुलिस चली वहां से, और जब स्कूल में पहुंची तो जब खुदवाया गया तो उसमें बच्चा गड़ा मिला, सांस चल रही थी, हॉस्पिटल पहुंचा, बच्चा समाप्त हो गया, क्योंकि परमात्मा का चक्र है। तो ऐसे कई उदाहरण पंडोकर धाम के हैं, एक से बढ़कर एक यहां से चिन्ह दिए गए और उस समय पर साकार हुए, लोगों ने पंडोकर सरकार को नमन किया और कहा जय जय पंडोकर सरकार।